subscribe to our channel by clicking subscribe button. Click the bell button and get notified directly for latest upload. डेटा को हम पोस्ट करते हैं या थ्रो करते हैं एक पेज से दूसरे पेज तक, तो हमारे पास मेथड्स हैं उनको थ्रो करने का। कौन कौन सा मेथड है? गेट और पोस्ट। कौन कौन सा मेथड है? गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट में क्या फर्क है? गेट में जो डाटा होता है वो यूआरएल में शो रहता है, पोस्ट में जो डाटा है वो यूआरएल में शो नहीं होता। पोस्ट को हम तब यूज करते हैं जब किसी को रजिस्टर या लॉगिन करना है, गेट को हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई यूआरएल डिजाइन करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एसईओ के लिए, ताकि ये गूगल के सर्च इंजन इसको क्रॉल कर सके, अपने अंदर स्टोर कर सके, और जब कोई यूजर सर्च करता है तो उस यूआरएल पे लेके जाए और हमारी साइट की रैंकिंग ऊपर हो। तो उस मकसद के लिए गेट यूज होता है, सिक्योरिटी के लिए पोस्ट यूज होता है। पोस्ट में डाटा ज्यादा जाता है, गेट में डाटा कम जाता है, और गेट को हम बुक मार्क कर सकते हैं, पोस्ट को हम बुक मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। और गेट के जो ग्लोबल है डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट होता है, और पोस्ट के लिए जो ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल एरे टाइप वेरिएबल है वो डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट यूज होता है। जब प्रोग्रामर को पता ना हो कि डाटा जो पीछे से सप्लाई हो रहा है उसको ये ना पता हो कि गेट से आ रहा है या पोस्ट से आ रहा है, तो हम रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। रिक्वेस्ट जो है वो दोनों को हैंडल कर लेते हैं। इज इट ओके? मैं करके दिखाऊंगा आप इसको। ओके yes. okay. यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है।